हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेडमैन मेट एमटीएस फायरमैन की यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। आपकी 10वीं प्लस आईटीआई वाले या फिर 10वीं वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑल स्टेट सभी राज्य मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार के अंडर परमानेंट सरकारी नौकरी है। बता दूँ, पोस्ट 450 प्लस है। ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है। कैसे, क्या, कहाँ पर क्या भेजना है, सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं। सैलरी, आयु क्या रहेगा आपका, चयन प्रक्रिया क्या है, और जो छोटी छोटी गलतियां जो ऑफलाइन फॉर्म में करते हैं छात्र, वो आप ना करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड कंफर्म आने वाला है और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है ऑफलाइन के एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। हम देखते हैं अब नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, वैकेंसी आपके निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हो ऊपर, और आपकी 41 फील्ड के अंदर यहाँ पर ये डिपोर्ट की वैकेंसी है। तो इसके अंदर दोस्तों वैकेंसी आती हैं ऐसी नहीं है, फर्जी वैकेंसी है, 100% सही वैकेंसी है। 2000 के समथिंग या 2017-18 के समथिंग एक वैकेंसी आई थी, जिस टाइम में मैंने आईटीआई किया था उस टाइम में मैंने भी भरा था इस फॉर्म को। पर बेसिकली इसके अंदर आपका मेन ये रहने वाला है कि जो भी छात्र फॉर्म भर रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। पता नहीं कब एडमिट कार्ड आएंगे नहीं आएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैसे प्राप्त करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मेरे को तो कोई एडमिट कार्ड उसका उस टाइम में नहीं मिला था अभी तक, आपका पता नहीं। अब हो सकता है वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा, पर यहाँ पर ये वैकेंसी आती है 41 फील्ड डिपोर्ट के अंदर की यहाँ पर ये वैकेंसी है, FAD जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें आपकी ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, देख सकते हो नंबर एक पर ट्रेडमैन मेट की अच्छी खासी वैकेंसी है। मजदूर जो हम बोल सकते हैं या फिर लेवल वन आपका ग्रुप डी का हम बोल सकते हैं, 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसियाँ, टोटल आपके 330 वैकेंसी हैं, 134 जनरल की, 89 आपकी OBC की, और 49 SC की, 25 ST की, और 33 EWS की वैकेंसी है। और इसके अंदर हॉरिजेंटल भी आपका सर्विसमैन वगैरह PWD कैंडिडेट भी इसमें भर सकते हैं। 18,000 आपका बेसिक रहने वाला है, इसके ऊपर आपको अलाउंसेस लगा गए 25,000 के समथिंग आपको मिल जाएंगे। इसके बाद JOA की यहाँ पर वैकेंसी यानी कि LDC हम बोल सकते हैं, टोटल आपकी 20 वैकेंसी हैं। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 19,900 इसमें बेसिक आपका रहने वाला है। इसके बाद है मटेरियल असिस्टेंट की, यहाँ पर ये पोस्ट है 19 पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए। 29,200 यहाँ पर बेसिक रहने वाला है। आपको आपको ग्रेड पे के हिसाब से बताऊँ तो ये जो आपका MT ट्रेडमैन मेट है ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है, और ये आपका 1900 ग्रेड पे की नौकरी है LDC वाली, और जो मटेरियल असिस्टेंट की जो है ये आपकी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। ये यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने टोटल ये वैकेंसी है। इसके बाद में नीचे अगर हम देखें तो MTS की टोटल 11 वैकेंसी है, लेवल 1 की पोस्ट है, 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। फायरमैन की 64 वैकेंसी है, 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 आपका बेसिक रहने वाला है, और इसके अंदर आपका थोड़ा फिजिकल होगा शायद फायरमैन में, तो ये आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में आपका ट्रेडमैन मेट एक और यहाँ पर दूसरा पोस्ट है, इसमें 14 वैकेंसी है, वही आपका लेवल 1 की पोस्ट है, 10वीं पास भर सकते हैं। तो ये आपकी है। अब फिजिकल नहीं होगा, जिनका यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनका फिजिकल नहीं होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में एज अगर देखा जाए तो आपका दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन अब आपका निकल के आया है, जुलाई एंड तक आप अगर फॉर्म डाल देते हो ऑफलाइन, जुलाई एंड तक 21 दिन इसमें बताया गया है यहाँ पर, अगर आप जुलाई एंड तक इसमें फॉर्म डालते हो तो दोस्तों आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपके बताया है, जैसे कि ये नोटिफिकेशन में आया है अभी 1 से 7 जून तक, तो आप यहाँ पर 7 जनवरी तक, तो 7 जनवरी आपकी डेट कंडक्ट की जाएगी, तो आपके पास लगभग 15 से 20 दिन है, तो आप इसके अंदर फॉर्म है वो डाल सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर ये वेबसाइट भी दे दिया है, indianarmy.nic.in, www.ncs.gov.in, तो इस प्रकार से 3 वेबसाइट दी गई हैं, तो इसे आप देख सकते हो। एप्लीकेशन नोट कन्फर्मेशन द फॉर्मेट गिवन द वेबसाइट एडवर्टाइज विल बी नॉट एक्सेप्टेड एंड नो रिपीट नो, आपका यानी कि जो नोटिफिकेशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है वही फॉर्म आपको भर के देना है। हो सकता है आपको फॉर्म की दुकान आपके पास तो 41 FAD के नाम से फॉर्म मिल जाएंगे, तो वो फॉर्म भी आप डाल सकते हो। अदरवाइज ये जो फॉर्म है ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब के नाम से वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे प्रिंट निकलवा के भेज देना।
अगर आपको बाहर नहीं मिले तो। अब यहाँ पर दोस्तों पार्ट सेकंड के अंदर बताया गया वही आपकी योग्यता वगैरह टेंटेटिव वैकेंसी, इसमें भी वही डिटेल्स दिया गया है जो आपका एज वगैरह बता दिया आपको यहाँ पर। इसके बाद में नीचे जो आपका दिया गया है एज 18 से लेके 25 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, फायरमैन ट्रेडमैन मेट JO MTS और आपका ये वैकेंसी जो है इसमें 18 से 25 तक जनरल वाले भर सकते हैं, और आपकी जो मटेरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट थी उसमें 18 से 27 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद OBC वाले जो हैं वो 18 से 28 तक भर सकते हैं, और मटेरियल असिस्टेंट के 18 से 30 तक भर सकते हैं। SC ST 18 से 30 तक भर सकते हैं, और मटेरियल असिस्टेंट के 18 से 32 तक भर सकते हैं। EWS वाले 18 से 25 तक भरेंगे, और आपका जो मटेरियल असिस्टेंट है वो 18 से लेकर 27 तक भर सकते हैं। अक्सर इसमें जो यहाँ पर डिटेल्स दिया गया वही आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद फिजिकल अगर देखा जाए तो जो आपका रहने वाला चेक 41 FAD क्वालिफाइंग नेचर का आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, फायरमैन मेल ओनली। यहाँ पर फायरमैन की जो वैकेंसी है वो सिर्फ लड़कों की वैकेंसी है, लड़कियों की वैकेंसी नहीं है। इसके अंदर आपका रहने वाला हाइट विदाउट शूज आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, और चेस्ट है वो 81.5 से होना चाहिए, और 85 आपका होना चाहिए फुलाव के साथ। 50 किलो कम से कम वजन होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है स्पेशली फायरमैन वाले कैंडिडेट के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड मटेरियल असिस्टेंट के लिए नहीं होगा, और आपकी जो LDC की जो पोस्ट थी उसके लिए टाइपिंग होगा, उसमें भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। फायरमैन की जो है उसके लिए आपका फिजिकल होगा, 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 6.5 मिनट में कर देनी है कंप्लीट, और आपको कैरिंग 2.7 मीटर, लैंडिंग ऑन बोथ फिट ये यहाँ पर आपको क्लियरिंग करना है, यानी कि आपका लंबाई या ऊंची कूद होगी शायद। तो कैरिंग ए मैन आपको एक 63.5 किलो का वजन उठा के 183 मीटर जाना है 96 सेकंड में। क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप आपको जो रस्सी होती है उससे क्लाइंबिंग करके ये आपको करना है, ये आपका फिजिकल फायरमैन का। MTS के लिए फिजिकल नहीं होगा, ट्रेडमैन के लिए वही 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है 6.5 मिनट में। 50 kg वजन उठा के आपको 200 मीटर चलना है 100 सेकंड में, तो ये यहाँ पर ट्रेडमैन का फिजिकल रहने वाला है, बाकी और इसमें एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर टाइमिंग और फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट, फीमेल कैंडिडेट विल बी डिमेड फिट बाई दी केविंग ओल्स, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में अगर हम देखें आपका जो फिजिकली हैंडीकैप है उनका फिजिकल नहीं होगा। इसके बाद आपका जो अगला जो प्रोसीजर होगा वो होगा आपका रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट के अंदर आपको देखना जरूरी है क्योंकि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ के 25-25 नंबर के आएंगे, और आपका इंग्लिश और आपका GK के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आपको हल करने हैं 150 मिनट में, यानी कि 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं। आपका मटेरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके अंदर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड रहेगा, और LDC की जो है उसमें 12वीं रहेगा, और आपका MTS फायरमैन और ट्रेडमैन की है उसमें 10वीं का स्टैंडर्ड का आपका सारा डिटेल्स रहने वाला है। तो ये यहाँ पर है, कोलेटर आपके यहाँ पर भेजे जाएंगे, कमांडेड 41 FAD यहाँ पर आपको कोलेटर भेजेगा इसके अंदर। और दोस्तों अब आपका फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगाने हैं, वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। उसके लिए आप कमेंट करें कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। एक आपका एक वैकेंसी के लिए 50 के रेशियो में बुलाए जाएंगे कैंडिडेट आपकी जो पोस्ट है उनके लिए, और आपका जो एक वैकेंसी के लिए 75 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फायरमैन के लिए, क्योंकि उसमें फिजिकल हार्ड है, इसके लिए आपका ये कोलेटर आएगा उस हिसाब से। तो हो सकता है उस टाइम में मेरा कोलेटर नहीं आया तो इसी वजह से नहीं आया होगा। तो ये आपका सारी चीज़ें दी गई है, और फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक और वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है उसके लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें।